पूर्णिया पूर्व अंचल परिसर में समाधान शिविर का हुआ आयोजन। जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत के उपस्थिति में आमजनों की राजस्व संबंधित कार्यों एवं शिकायतों के निराकरण हेतु 21 जनवरी शनिवार को 10 बजे से 5 बजे तक अंचल कार्यालय पूर्णिया पूर्व परिसर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस समाधान शिविर में कुल 1591 आवेदन प्राप्त हुए, जिसे टीम द्वारा जाँच कराकर यथाशीघ्र निष्पादित किया जाएगा। समाधान शिविर में जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत के साथ अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नगर आयुक्त, जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न अंचल के अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। समाधान शिविर में 8 काउंटर बनाए गए थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने अलग अलग काउंटर पर जाकर निरीक्षण भी किया। इस अंचल में कुल 17 हलकों में 3 नगर निगम से संबंधित है, 1A, 1B, 1C, और उसके बाद 14 टोटल हल्का है ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसमें मुझे लगता है टोटल परिवार में 80% जो होगा, जो आज आया है, उस वो शहरी क्षेत्र से है। तो शहरी क्षेत्र में भी आप लोग देख रहे होंगे सुबह से ही कि शहरी क्षेत्र वाले काउंटर्स में आवेदनों की संख्या ज़्यादा है। आज के इस कैंप का जो मकसद है वो हम लोगों को इसको समाधान इसका करना, जिस भी कारण से है समाधान में, जिस भी कारण से जो भी ग्रीवांसेस रहे हैं, आप लोग भी जिस भी काउंटर पे रहे होंगे, आप सभी लोग आज सुबह से इन्वॉल्व हैं, आपको भी अंदाज लग गया होगा। अधिकांशतः म्यूटेशन कराने से संबंधित, या म्यूटेशन किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, लगान निर्धारण का हो या जो भी हो, उस कारण से नहीं हो पा रहा है। तो इस समाधान का ये मकसद नहीं है कि अगर म्यूटेशन लगान निर्धारण नहीं हुआ है तो हम उसको ये बताएं कि आप, चूँकि आपका लगान निर्धारण नहीं हुआ है, जमाबंदी जो है, आपका आवेदन है जमाबंदी कराने के लिए, उसको अस्वीकृत किया जाता है। ये समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ आज नहीं बैठे हैं, क्योंकि जो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि म्यूटेशन कैंसिलेशन या रिजेक्शन या पेंडेंसी का कारण 90% ऑफ द केसेस लगान का निर्धारण नहीं होना है, तो इसका समाधान ये है कि हम लोग उसका ओपन कोर्ट करके लगान का निर्धारण करेंगे। इसीलिए इस बड़े स्केल पे इसको, आज के इस कैंप को आयोजित किया गया है और इतनी बड़ी टीम को लगाया गया है। आज का जो कैंप लगा उसमें करीब जो भी वादीगण हैं, जो भी रैयत हैं, जो लोग आए हैं, तो ये एक आप समझ सकते हैं कि एक दिन के नोटिस पे इतने लोग टर्न अप हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि शहरी इलाके में या पूर्णिया पूर्वांचल में लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा या करना पड़ रहा है। अगर एक दो दिन कैंप और लगाया जाए तो मुझे लगता है कि इतनी ही संख्या में लोग बहुत